पिछले कुछ दिनों से जो ज़िले के मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर धुंध और घना कोहरा जो है वो पड़ रहा है, और इसके साथ ही सर्दी का प्रकोप जो है वो भी बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो दिन भर जो है धुंध जो है घनी धुंध जो है कोहरा जो है वो छाया रहता है। दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। मैं आपको आज मौसम से जुड़ी खबर जो है वो सुनाने जा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो ज़िले के मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर धुंध और घना कोहरा जो है वो पड़ रहा है, और इसके साथ ही सर्दी का प्रकोप जो है वो भी बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो दिन भर जो है धुंध जो है घनी धुंध जो है कोहरा जो है वो छाया रहता है, और इसके साथ ही देखा जाए अगर तो लोग सर्दी से बचने के लिए ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में ही दुबके रहते हैं, और कई जगहों पर हमने देखा कि लोग सर्दी से बचने के लिए जैसे कस्बों हो गांव हो चौक चौराहों पे सड़कों के किनारे आग भी सेकते नज़र आए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो घरों में भी लोग हीटरों का और ब्लोअर वगैरह का जो है वो बंदोबस्त करके उसे भी सर्दी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ विजुअल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज सुबह के कि किस तरीके से धुंध जो है वो पड़ी हुई थी, पूरी सफ़ेद चादर जो थी वो धुंध ने ओढ़ी हुई थी, और सर्दी का प्रकोप भी इसके साथ ही जो है वो बढ़ गया है। आप देखिए किस तरीके से मैं आपको जो विजुअल दिखाने जा रहा हूँ, देखिए आप खुद ही इसका एहसास कर सकते हैं कि किस तरीके से सर्दी जो है वो पड़ रही है। आपने कुछ विजुअल देखे कि किस तरीके से लोग आग भी सेक रहे हैं, और किस तरीके से सड़कें दृश्य भी हमने दिखाए आपको कि किस तरीके से धुंध पड़ी हुई है। और अगर बात करूं तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भी धुंध और घना कोहरा जो था, विशेषकर अगर बात करूं मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्रों में तो वहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन नववर्ष के बाद अगर देखा जाए तो 1 जनवरी को भी धुंध पड़ी थी, 2 जनवरी को भी धुंध पड़ी थी, हालांकि 3 जनवरी को थोड़ा सा दोपहर को मौसम साफ हुआ था। अभी भी दोपहर का समय है, हालांकि थोड़ी सी धुंध हटी है, लेकिन फिर भी जैसे ही दोपहर बाद साई होती है तो घना कोहरा धुंध जो है वो पड़ जाती है, इससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लाइटें जलाकर वाहन चालक जो है वो वाहन चलाते हैं। हम भी अपील करते हैं वाहन चालकों से कि वो भी इस घनी धुंध और कोहरे में जो है अपना बचाव रखें, वाहनों को आस्था चलाएं, लाइटें चलाकर जलाकर चलें ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि जब भी घना कोहरा और धुंध पड़ती है तो देखा जाता है तो सड़क हादसों में भी वृद्धि होती है, इससे भी बचाव जो है सावधानी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और हालांकि अगर बात करूं मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पर कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, लोग बारिश के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं क्योंकि फसलों को इस समय सिंचाई जल की ज़रूरत है, लेकिन हालांकि बीच में मौसम जो है वो बादल भी होते हैं, लेकिन बादल तो बरसे नहीं, लेकिन घना कोहरा और धुंध जो है वो लगातार जारी है, सफ़ेद चादर जो है वो ओढ़ी हुई है, और सर्दी का प्रकोप जो है इसके साथ ही बढ़ गया है, शीत लहर जो है वो चल रही है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।